ये है बाला साहब हॉस्पिटल का पहला दिन जो कि सराय काले खां के पास है दिल्ली में। कल ये खुला है, अभी 48 घंटे चाहिए सैनिटाइज करने के लिए, लेकिन लोगों का आप रश देख सकते हैं कि आज से ही किस तरह से सुबह से ही ये आप देखें सैकड़ों की तादाद में लोग आकर अपना इलाज कराने के लिए लाइनों में लगे हैं। ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और जिस तरह से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने हमेशा ही इस सेवा में बड़ा योगदान दिया और देश के लोगों ने उसमें हमारा बड़ा सहयोग दिया। ये हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं ये देश का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो 100 बेड का है और 101 बेड है इनफैक्ट। ये डायलिसिस के लिए देश का सबसे बड़ा और देश का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल जिसमें किसी भी तरह का पैसा नहीं है, बिलिंग काउंटर भी नहीं है। जब हमने इसकी बात कही तो बहुत सारे लोगों ने आज सुबह से फोन आने शुरू हुए, देश के बड़े बड़े लोगों के फोन आए, बहुत सारे लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन की बात की। अभी एक परिवार ने मोहन इंद्रपाल सिंह जी उन्होंने कहा कि मैं 3 लाख रुपए भेज रहा हूँ। एक और फैमिली ने 2,51,000 का चेक भेजा, एक और फैमिली 51,000 रुपये का यहाँ चेक दे के गई। एक परिवार ने अभी मुझे कहा कि वो नई एम्बुलेंस यहाँ की जरूरत है, वो हम देना चाहते हैं। तो ये सारी जो भावना है ये मानवता को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अगर इंसानियत बचेगी तो ही इंसान बचेंगे। लेकिन ऐसे हालात बना दिए गए कि देश को बांटो, धर्म के नाम पर मारो, एक दूसरे को एक धर्म के नाम पर गाली निकालो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, देश की सरकारें हमें हमेशा से बांटती आई हैं, बांटती रहेंगी, लेकिन हमें इस चीज़ से बचना है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये मानवता को जिंदा रखने के लिए है और बड़ा जरूरी है। इसलिए जो लोग बुरा भला कहते हैं, कोई कह देता है शरारती लोग ये देशद्रोही हैं, कोई आतंकी बोल देता है, गालियां निकालना, अब आप बताएं ये कोई बम नहीं है, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये इंसान को बचाने के लिए है। ये मशीन हर इंसान को 3 दिन का जीवन देती है, 3 दिन बाद दोबारा इसको इस मशीन पर आना पड़ता है, उसको 3 दिन का फिर जीवन मिलता है। आप कल्पना करके देखिए कितना जीवन दान है इस मशीनों के अंदर। क्योंकि आज जो गुरु नानक देव पातशाह जी ने 550 साल पहले शुरू किया था मानवता को संदेश देना, आज वो गुरु साहिबानों की कृपा के कारण इन मशीनों से वो दान मिल रहा है। ये मशीनें हैं जो इंसानियत को भी बचाए हैं, इंसान को भी बचाए हैं। इसलिए ये जो नफरत की राजनीति है हम इसको फैलानी बंद करें, मानवता की सेवा की तरफ ध्यान दें। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सदैव आपकी सेवा में है।